हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमन और अपना रसोई घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 5 मिनट में साबूदाने की खीर बनाएंगे। और दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ घर में रखी चीज़ों से ही आज हम खीर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं साबूदाने की खीर बनाना। तो सबसे पहले हम ले लेंगे साबूदाना। साबूदाना हमने इसी कटोरी से नाप के लिया है। साबूदाने को हमने 2 पानी से धोकर इसमें 1/2 इंच ऊपर रखकर पानी 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो दोस्तों, चलिए अब चेक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, साबूदाना हमारा अच्छे से भीग चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने लिया है एक पैन, इसमें डाल देंगे हम फुल क्रीम, 1/2 लीटर दूध। गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये उबलना शुरू हो गया है। एक बार इसको हम स्टर कर देंगे। दोस्तों, दूध हमारा उबलने लगा है, तो अब हम साबूदाना ऐड कर देंगे। और इसको हम चम्मच से अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि खीर में उबाल आने लगा है और ये गाढ़ी भी पड़ने लगी है, लेकिन अभी हमें और पकाना है। ये देखिए दोस्तों। दोस्तों, आप अगर चाहो तो साबूदाने को बिना भिगोए भी खीर बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ही साबूदाने को भिगोना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मैंने दरदरा कूट लिया था। इसका फ्लेवर खीर में बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, खीर हमारी लगभग पक चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी चीनी। चीनी का मेजरमेंट हम उसी कटोरी से लेंगे जिससे हमने साबूदाने लिए थे। और इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि खीर बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की कटिंग मैंने ऑलरेडी करके रख ली थी। और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी समय बना के खा सकते हो, लेकिन व्रत में बना के खा रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन करेगा कौन बनाएगा, फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, साबूदाने की खीर बनकर हमारी तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे, उसकी हम ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आज की ये साबूदाने की खीर। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।